नमस्कार 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 दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। एनसी वेब का जो आपका असाइनमेंट अपलोड हुआ है जिसकी तारीख अब बढ़ चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं सभी आंसर प्रोवाइड करा दूं, ताकि क्योंकि इसीलिए DU ने डेट बढ़ाई है ताकि कुछ लोग जो छूट चुके हैं असाइनमेंट बनाने से वो अपना असाइनमेंट पूरा कर ले। तो स्थिर विनिमय दर पे जो आपको शॉर्ट नोट लिखना है उसके लिए ये वीडियो है। अब देखिए कि मैंने ये NCERT से लिया है, तो ये बहुत लाभकारी होगा, ये बहुत सटीक आंसर है। शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि 2 से 2.5 पेज में लिखना है, 2 पेज के अंदर लिखना है। तो शॉर्ट नोट में आप देख लेंगे, ये स्थिर विनिमय दर के बारे में बताया गया है। स्थिर, इसके अंदर मैंने पढ़ा तो उसमें है स्थिर विनिमय दर क्या होती है। स्थिर विनिमय दर एक तो स्वर्णिम प्रणाली थी जो सोने से पैक होती थी, और एक ब्रेटन वुड सिस्टम, दोनों के बारे में यहाँ बताया गया है। आप इसे एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप शुरू करिए, मैं 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ जी, इसके बाद आपको ये ग्राफ भी बना देना है। इसके बाद आप ये ग्राफ बना दीजिए यहाँ पे। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये अब दूसरा पेज पे आप आ जाते हैं। अब ये दूसरे पेज पे है, बस ये थोड़ा और ये बस इतना, यहाँ तक, ये यहीं तक रहेगा। एक तो ये आपका शॉर्ट नोट हो गया। अगर आप ये वाला नहीं, आपको लगता है कि ये बड़ा है, आप ये नहीं करना चाहते, एक दूसरा ऑप्शन भी है। मैंने इसी वीडियो में आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी तैयार किया हुआ है, हम उस पर चलते हैं। एक मिनट, मैं इन्हें सीधा कर लेता हूँ। अगर आप इन्हें देखें तो ये देखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट। पहले आप इसके बारे में लिखेंगे कि स्थिर विनिमय दर का अर्थ, विनिमय दर की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है वो स्थिर विनिमय दर है। देखिए इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है और दूसरा बताया ब्रिटन वुड सिस्टम। तो एक एक करके आप इसकी व्याख्या कर दीजिए। ये रहा आपका स्थिर विनिमय दर का स्वर्णिम प्रणाली। तो ये यहाँ पे सोने के बारे में जिक्र है कि सोने के जो प्रणाली थी जिसमें सोने को समान माना जाता था और फिर जो है एक्सचेंज रेट निकाला जाता था, ये फिक्स होती थी। इसके अलावा फिर तीसरा ये ब्रिटन वुड सिस्टम के बारे में आप लिख देंगे, तो ये ब्रिटन वुड सिस्टम के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो उस, या तो दोनों का मिक्स करके लिख दीजिए, या पहले वाली जो PDF है सिर्फ उसे लिख दीजिए, या इस वाली को लिख दीजिए। तो इससे होगा कि सबका अलग अलग बनेगा, यानी कि एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि एक जैसा अगर होता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए मैंने इसमें दो PDF आपको दे दी है। उम्मीद है आपके काम आएगी। बाकी धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें।